राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। निवेदन करती हूँ, मेरे बेटे बच्चे की ऐसी हालत करिए, इस कुत्ते की वैसे ही हालत करें, मैं आपसे बार बार यही अनुरोध करती हूँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की एक बच्ची की हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूढ़ा गांव में रहने वाली बच्ची 31 मई को घर से लापता हुई थी। बच्ची के परिवार वालों ने इसी दिन बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन बच्ची की 31 मई को ही हत्या कर दी गई थी। इस बात की जानकारी लोगों को तब लगी जब घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद एक कूड़े के ढेर के पास से कुछ कुत्ते लाश जैसी चीज को नोचते देखा। इस जगह से बदबू आ रही थी। लोग जब नजदीक गए तो पता चला यहाँ बच्ची की लाश पड़ी है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, लेकिन बाद में अलीगढ़ के SSP आकाश कुलरी ने बयान दिया है कि बच्ची की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ है। यह मामला पूरी तरह से आपसी रंजिश का है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। घटनास्थल पर मिली बच्ची की लाश दिल दहलाने वाली थी। बच्ची की आंखें बाहर निकली हुई थी और हाथ अलग पड़ा था। पुलिस की जांच में देरी के चलते बच्ची के परिवार वालों ने प्रोटेस्ट भी किया था। मामला फिलहाल शांत नहीं हुआ है और अब सोशल मीडिया पर लोग दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्ची के परिजनों ने एक आरोपी की पत्नी और उसके छोटे भाई को भी मामले में आरोपी बनाने की मांग की है। इस पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बच्ची की हत्या आपसी रंजिश में हुई है। बच्ची के पिता ने मुख्य आरोपी को 40,000 रुपए उधार दिए थे। आरोपी ने 35,000 वापस कर दिए थे। बचे हुए 5,000 रुपए के लिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। घटना के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है।